देश को देखते हुए, मोदी जी को देखते हुए, योगी जी को देखते हुए वोट किया जाए। नथिंग वॉज ड्रामेटिक। देखिए, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया थी। अखिलेश जी का अपना आउटलुक होगा, हो सकता है वो न्यायपालिका को अपने रिजिम में इस तरीके से करते रहे हों, इसलिए दूसरी सरकारों के ऊपर आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक है जिले में दोनों सीटों पर, और मुझे विश्वास है कि जौनपुर और मछलीसर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कहीं इलाके में सर, क्योंकि कई जगह से ये भी खबरें आई कि समल नाराज है, कहीं छत्री नाराज है, तो कहीं कुछ ऐसी बात आपने देखी? देखिए, ऐसा नहीं था, कैंडिडेट को लेके कुछ कुछ जगहों पे बातें थीं, लेकिन ओवरऑल बाद में चीज़ें सब मैनेज हुई हैं। सारे लोगों को वो हुआ कि नहीं, सब लोग देश को देखते हुए, मोदी जी को देखते हुए, योगी जी को देखते हुए वोट किया जाए। लोकल थोड़ा वो जो रिजेंटमेंट था वो धीरे धीरे सब समाप्त, और होता भी है, आम बात है कि जब प्रतिनिधि होते हैं तो सारी चीज़ों को फुलफिल हो नहीं पाती हैं, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन जो लोग मूल जो बीजेपी के साथ लोग थे वो जाएंगे कहाँ, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। क्या भदोही क्यों सपोर्ट किया गया? बसपा से सांसद रहे पहले? नहीं, हम बसपा से सांसद रहने से पहले हम जेडीयू से विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से रहे। 2002 में भी मैं चुनाव जीता, उस समय भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हमारे साथ रहे, और उस समय रामविलास जी मंत्री थे, और उसके बावजूद हमारे चुनाव में आए थे हमारी जनसभा करने के लिए। तो मेरा बीजेपी के साथ अलाइनमेंट हमेशा रहा है। मेरा एक लोकसभा का चुनाव छोड़ के मैं बीजेपी, जेडीयू या जो बीजेपी अलाइज पार्टियों के साथ ही मेरी राजनीति जिले की रही है, और जिले की राजनीति में हम लोगों की समाजवादी पार्टी के साथ राजनीतिक मतभेद हमेशा रहे हैं, तो वो भी एक नज़दीकी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। बहुत ड्रामेटिक हुआ जौनपुर में सब कुछ पहले? नथिंग वॉज ड्रामेटिक। देखिए, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया थी। मैं जेल था, मुझे एक मामले में कन्विक्शन हुआ, मैं चुनाव से बाहर था, मेरी पत्नी को इन लोगों ने अप्रोच किया, कोऑर्डिनेटर्स ने, जो बीएसपी में कोऑर्डिनेटर एक पद होता है, तो उन लोगों ने अप्रोच करके टिकट विकट दिलवाया था उनको। बाद में देख ही रहे हैं आप, प्रदेश भर में रोज़ टिकट कट रहे हैं बसपा के, कोई पार्टी से निकाला जा रहा है, कोई कुछ किया जा रहा है, इवन आकाश आनंद जी के साथ भी आप देखें, तमाम चीज़ें इस तरीके की हुई घटनाक्रम। तो हम इसको सामान्य रूप से लेते हैं, बस सवाल उस बात पर खड़ा होगा, आप ब्लेम किया, आपने 22 जगहों पर उत्तर प्रदेश में टिकट बदले, अंतिम दिन बस्ती में बदला, तो कहीं और आपको नहीं लगा? जौनपुर में था कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी, दलित हमारे साथ बहुत जुड़ा हुआ है, तो दलित नाराज ना हो, दलित में रिजेंटमेंट ना हो, दलित विरोध ना करे। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह थे डरे हुए थे कि दलित नौजवान लड़के ऐसा ना उनके साथ अभद्रता करें, ये सब लेके मेरा ब्लेम करके यहाँ से भाग लिए, बस यही बात थी। इसमें हमें लगता भी नहीं कि ऊपर बहन मायावती जी को भी कोई बहुत उनको विश्वास में लिया गया, कोई जानकारी हो। हमसे कभी हमसे कोई बातचीत नहीं रही है, आप जाके पूछ सकते हैं, न बसपा के शीर्ष नेतृत्व से हमारी कोई वार्ता नहीं। मैं तो जेल में ही था, न टिकट मिलने से पहले, न टिकट कटने के बाद। मंच से भी अखिलेश यादव ने कहा कि जेल से बाहर आने, टिकट मिलने, टिकट कटने, सबके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है, और ये सब कुछ जो है चुनाव को देखते हुए किया गया। वो अखिलेश जी का अपना आउटलुक होगा, हो सकता है वो न्यायपालिका को अपने रिजिम में इस तरीके से करते रहे हों, इसलिए दूसरी सरकारों के ऊपर आरोप लगा रहे, एक गलत बात है। न्यायपालिका इस संस्था पे हमको न्यायपालिका से न्याय मिला है, उसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं रहा है। सरकार ने अपना जितना विरोध करती भी सरकार विरोध करती है। जौनपुर और मछली शहर में आप जो है किसकी लड़ाई देख रहे हैं, भाजपा बनाम किसको देख रहे हैं? लड़ाई नहीं है, अपोजिशन है, लेकिन लड़ाई नहीं है। दोनों सीटों में हमें लगता है 1 लाख से अधिक का अंतर होना चाहिए, जौनपुर में 1 लाख के आसपास का अंतर होगा, मछलीसर 1 लाख के ऊपर से जीत जाएगी भाजपा। कहीं ऐसा अभी तक सर कहीं कोई एंटी इनकमेसी फैक्टर कुछ ऐसा कुछ नहीं? देखिए, हम लोग जब घूमते हैं, मैं कहता हूँ हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, तो एंटी इनकमेसी हम लोग के खिलाफ भी आती है, कैंडिडेट के खिलाफ थोड़ा बहुत नाराजगी, किसी के यहाँ शादी में नहीं पहुँच पाए, किसी के यहाँ कुछ नहीं हो पाया, किसी से गलती से पैर भी हो जाती है, हमें पता ही नहीं, मेरे साथ जो सहयोगी होते हैं उन्होंने गलती कर दी, लोग हमसे नाराज हैं, ये एक सामान्य सी राजनीति की प्रक्रिया है, बहुत विषय नहीं है। चूँकि अपोजिशन के पास और कुछ मुद्दे नहीं हैं, इस तरीके की बातें वो लोग उड़ाते रहते हैं, मुद्दा विहीन हो गए हैं, ग्राउंड पे क्या बोलना है, क्या करना, उस पे काम नहीं है। केवल चुनाव आएगा, चुनाव को मेले वोले की तरह इकट्ठा करते हैं, भीड़ भीड़ हल्ला करते हैं, बस चले जाते हैं। सर, जो केस ऊपर, इसके ऊपर अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें? नहीं, जो केस हुआ था मेरा केस जो है, मैं करप्शन का एक मामला था जिसको हम लोग रेज किए थे, और उसमें कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ पर, वो और कुछ यहाँ पे लोकल लीडरशिप इन्वॉल्व थी, जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कराया। उस मुकदमे में अब मुझे न्यायपालिका से, लोअर कोर्ट से सजा कर दी गई, जबकि उसमें किसी प्रकार कोई एविडेंस मेरे अगेंस्ट में नहीं था।
हम उसको हाई कोर्ट में अपील किए, मुझे निश्चित उम्मीद है कि मुझे हाई कोर्ट से उस पर न्याय मिल जाएगा।